चैन से सोना है तो अब जाग जा। आज के चैन सुकून के लिए रोज जागता है क्राइम रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। दिल्ली के नैना साहनी मर्डर केस के दोषी सुशील शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय से मिल गई राहत। अदालत ने उसकी फांसी सजा को ताउम्र कारावास में तब्दील कर दिया। लेकिन क्या नैना साहनी को न्याय मिला, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि सुशील को 2 जुलाई 1995 की वो रात चैन से सोने नहीं देगी। आखिर क्या हुआ था उस रात? 2 जुलाई 1995 दिल्ली की एक फेमस स्त्री इलाका अशोका रोड, काफी हाई सिक्योरिटी जोन। गश्त पर थे दिल्ली पुलिस के 2 सिपाही अब्दुल नजीर कुंजू और चंद्रपाल। आम दिनों की तरह कुछ चौकस और कुछ बेपरवाह, शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला पल दिल्ली के साथ देश भर में जलजला ला देगा। इलाके पर नजर दौड़ाते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। तभी एक उम्र दराज महिला ने उनका रास्ता रोका। बदहवासी और परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी। उसने अब्दुल को बताया कि पास में मौजूद बगिया रेस्टोरेंट में से काफी तेजी से धुआं उठ रहा। मेरी बगिया में आग लग गई, बुझाओ बुझाओ बुझाओ। एक पहले पुलिस वाला आया, होमगार्ड वाला आया। मैंने कि भाई जरा पहले इसको आग को बुझा, आग को बुझा। फिर मैंने कि मैं पब्लिक की हूँ, ये बांस के है ना, ये बांस के है ना, ये फाड़ दो, ये फाड़ दो, आदमी गिर जाएंगे। अब्दुल ने सोचा शायद वहाँ आग लग गई है। वो फौरन वहाँ पहुँचा। वहाँ का नजारा देख उसे लगा कि अगर जल्द कुछ नहीं किया तो बगिया रेस्टोरेंट में लगी आग पास के होटल को चपेट में ले लेगी। उसने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस कंट्रोल रूम में फोन लगाया। इसके बाद अब्दुल अपने साथी चंद्रपाल के साथ बगिया रेस्टोरेंट में आ पहुंचा। वहाँ की फिजा में एक अजीब सी गंध तैर रही थी। वो इसकी वजह जानना चाहता था, लेकिन रेस्टोरेंट के मैनेजर ने दरवाजे पर ही उसका रास्ता रोका। वो भी कुछ घबराया हुआ था, मगर ये घबराहट कुछ छिपाने के लिए लग रही थी। अब्दुल ने उसे खरीदना शुरू किया। मैनेजर ने बताया कि अंदर एक राजनीतिक पार्टी के बैनर जलाए जा रहे हैं, वो धुआं उन्हीं में से उठ रहा है। मगर अब्दुल को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि फिजा में जो अजीब सी गंध तैर रही है वो इंसानी मांस के जलने की है। वो तेजी से रेस्टोरेंट के वॉशरूम में पहुंचा। अब जो नजारा उसके सामने था उसने उसे सन्न कर दिया। उसकी आंखें वो खौफनाक मंजर देखकर पत्थर हो चुकी थी। सिपाही अब्दुल और चंद्रपाल के लिए वो दिल दहला देने वाला मंजर था। उसके सामने था एक तंदूर जिसमें धुआं उठ रहा था और अजीब सी बदबू धुएं के साथ फैल रही थी, जिसमें थे महिला के लाश के टुकड़े। एक शख्स बड़ी तेजी से तंदूर में घी डाल रहा था। आग भड़क रही थी, धुआं और तेज हो रहा था। वहां वो दुर्गंध दिलो दिमाग को चीर रही थी। सांसें साधे हुए अब्दुल ने तंदूर के भीतर देखा। उसमें जो भुन रहा था वो इंसानी मांस था। इधर मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंच चुकी। जरा सी मशक्कत के बाद पुलिस के हाथ लगे किसी महिला के जिस्म के लोथड़े, जिनका कुछ हिस्सा तंदूर में जलाया जा चुका था और कुछ जलाया जाना बाकी था। रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। उसका मैनेजर पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन एक महिला को बोटियों में बदलकर जलाने वाला शख्स पुलिस से नजरें बचाकर फरार हो चुका था। उस शख्स का नाम था सुशील शर्मा, दिल्ली के राजनीतिक हलकों में उभरता हुआ एक नाम। राजनीतिक कद की ऊंचाई के आगे कभी कभी इंसान दूसरे को इतना बोना समझ लेता है कि मानो किसी और का कोई वजूद ही ना हो। यही वजह थी सुशील के कहने पर उसके साथी केशव ने महिला की लाश को बिना उसके जाने ही तंदूर में डालना शुरू कर दिया।
पूछताछ में पता चला कि सुशील करीब 9 बजे प्रज्ञा रेस्टोरेंट आया है। काफी घबराया हुआ था। उसने रेस्टोरेंट खाली करने को कहा और हर कर्मचारी को रुपए देकर वहां से चलता गया। रेस्टोरेंट खाली हो गया। अब सुशील कार से एक लाश निकाल कर लाया। फिर रेस्टोरेंट में उसने तसल्ली से उस लाश के टुकड़े टुकड़े किए। फिर शुरू हुआ लाश की बोटियों को तंदूर में डालने का सिलसिला। मांस जल्दी जल जाए इसलिए तंदूर में काफी घी डाला जा रहा था। इस वारदात को अंजाम देते वक्त सुशील भी एक बार घबरा गया। उसने अपने चेहरे पर पानी डाला। ये मैंने क्या कर दिया? बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव नहीं बता पा रहा था कि लाश किसकी थी। पुलिस जवाब ढूंढने में जुटी थी। कई जगहों को खंगाला गया। जब सच सामने आया तो पुलिस हैरान रह गई। पता चला कि वो लाश थी सुशील शर्मा की पत्नी की। वो थी नैना साहनी। इस खौफनाक वारदात की खबर अब दिल्ली के साथ साथ देश भर में फैल चुकी थी। नैना साहनी के इस निर्मम हत्या के बारे में जानकर लोग सन्न रह गए। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका था। अब पुलिस को तलाश थी सुशील कुमार शर्मा की। उसकी तलाश में जगह जगह छापे मारे जा रहे थे, मगर राजनीति की पैतरेबाजी समझने वाला सुशील पुलिस की हर चाल समझ रहा था और वो जयपुर के लिए रवाना हो चुका था। फिर वहां से उसने मुंबई का रुख किया। उधर सुशील शर्मा की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी थी। उस पर 1,00,000 का इनाम भी रखा जा चुका था। फिर भी उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। उसकी तलाश में धूल फांकते फांकते काफी दिन बीत चुके थे। तभी आई एक खबर। पुलिस को मालूम हुआ कि सुशील ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, वो भी दिल्ली से काफी दूर मद्रास हाईकोर्ट में। मद्रास में पुलिस को गच्चा देकर वो बैंगलोर भागाया। यहाँ आकर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब जाकर पुलिस की जान में जान आई। देश का मोस्ट वांटेड आरोपी उसके कब्जे में था। दिल्ली पुलिस के लिए ये केस काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए इस केस से जुड़े सुराग और सबूत इकट्ठा करने के लिए टीमें बनाई गई। साथ ही महकमे के कई आला अफसर भी तफ्तीश में पसीना बहा रहे थे। दिस वी ट्रीट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड नॉट अ लिटिल बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव गिवन इट सो मच इम्पोर्टेंस। सो वी आर इंटरेस्टेड दैट एंड वी आर कीन दैट इन द इन्वेस्टिगेशन वी अलाउ नो लूपहोल्स। आरोपी गिरफ्त में था, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। उसे ये साबित करना था कि बगिया रेस्टोरेंट में अधजली लाश नैना की थी। लाश काफी बुरी हालत में थी। कोई ऐसा निशान नहीं दिखाई दे रहा था जो लाश को नैना साहनी की लाश साबित कर पाता। अब पुलिस की उम्मीद थी नैना के परिवार से, लेकिन उन्होंने भी लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसे में सामने आया नैना का पुराना दोस्त मतलू। उसने खोपड़ी की बनावट के आधार पर आशंका जताई कि वो लाश नैना साहनी की हो सकती है। सुशील और नैना के बीच आखिर कौन था वो जिसकी वजह से सुशील ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी? बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
राजनीति में आगे बढ़ने और सत्ता पर पैर जमाने की ललक ने सुशील और नैना के बीच करीबी रिश्ते बनाए, लेकिन शादी के बाद नैना और सुशील के बीच सबसे बड़ी खाई बना एक शख्स, जिसने 1995 की वो 2 जुलाई की रात नैना की आखिरी रात बना दी। नब्बे के दशक का शुरुआती दौर था। नैना और सुशील की दोस्ती की शुरुआत हुई राजनीति। सुशील यूथ कांग्रेस में ऊंचा रसूख रखता था। नैना NSUI की पदाधिकारी थी, जिसके चलते दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा। दोनों में प्यार जाग उठा, लेकिन ये रिश्ता नैना के परिवार वालों को कबूल नहीं था। मगर इश्क तो फिर उठ चुका था। नैना ने बगावत करने का फैसला किया। कहते हैं कि इसके बाद उसने दिल्ली के एक मंदिर में सुशील के साथ शादी भी रचा ली। फिर दोनों गोल मार्केट के एक घर में रहने लगे। सुशील दिलफेक किस्म का नौजवान था। राजनीति में तेजी से बढ़ते कदमों की वजह से वो कई हसीनाओं का चहेता बन बैठा था। कहते हैं कि करीब 5 लड़कियों से उसके गहरे ताल्लुक थे। उनमें राजनीति से जुड़ी लड़कियों के अलावा एक बिजनेसमैन की लड़की भी शामिल थी। कहते हैं वक्त और रसूख का कोई रखवाला नहीं होता। सुशील और नैना के साथ भी ऐसा ही हुआ। दिल्ली में राजनीति की बयार बदली और दोनों के रुतबे में कमी आने लगी। सुशील अब काफी परेशान रहने लगा था, कुछ चिड़चिड़ा भी हो गया था। इसी बीच उसे एक और बीमारी हो गई। ये बीमारी थी शक की। नैना का ज्यादातर वक्त अब तन्हाइयों में ही गुजरता था। उसने शराब का सहारा लेना भी शुरू कर दिया था। वारदात वाले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। शाम का वक्त था और घर पर नैना तन्हाई को दूर करने के लिए शराब का सहारा ले रही थी। अकेलापन दूर करने के लिए उसने किसी को फोन लगाया। नैना काफी खुश थी। सुकून देने वाली इस बातचीत में खलल उस वक्त पड़ा जब सुशील की मारुति कार घर के बाहर रुकी। सुशील की आहट पाकर नैना ने फोन रख दिया और लग गई अपने काम में। लेकिन सुशील के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे शक था कि नैना किसी से बातों में मशगूल थी, मगर किससे? ये जानने के लिए उसने फोन पर रीडायल का बटन दबाया। फोन मिला और उसके शक को वाजिब मुकाम मिला। दूसरी तरफ थी एक जानी पहचानी आवाज। वो आवाज थी नैना के पुराने दोस्त मकतूल करीम की। बस फिर क्या था, सुशील बिफर गया। उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और दाग दी नैना पर 3 गोलियां। 2 गोलियां नैना को लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सबूत मिटाने के चक्कर में सुशील ने नैना की लाश को चादर में लपेटा और अपने रेस्टोरेंट बगिया में ले आया और यही दिया एक खौफनाक वारदात को अंजाम। तंदूर कांड का मुख्य आरोपी सुशील शर्मा उस दिनों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ तो गया, लेकिन तब पुलिस के सामने की सबसे बड़ी चुनौती उसे सजा दिलाने। पुलिस ने इस मामले में FIR तो वारदात के अगले दिन ही दर्ज कर ली थी, मगर चुनौती थी सबूतों को इकट्ठा करने की। पुलिस ने सुशील की निशानदेही पर रिवॉल्वर और पासपोर्ट जब्त करने के अलावा उसके घर से भी कई सबूत इकट्ठा किए थे। फिर जल्द ही मामले को अदालत में पेश कर दिया गया। मर्डर केस ये मिसाल है, ये टोटली एक रिकॉर्ड है जिसमें 26 डेज में किसी मर्डर केस में हमें और इतना बड़ा केस में जो हमें चलान हमें पेश किए कोर्ट में 8.5 साल लगे उसके बाद कोर्ट को उसको गिल्टी साबित करने में। आरोपी सुशील को ही असली मुजरिम साबित करने में जुटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली 19 मई 1996 को। सुशील और केशव पर हत्या का मामला दर्ज हुआ 3 नवंबर 2003। ये वही तारीख है जब सुनाया गया एक फैसला। करीब 8 साल चले इस फैसले में सुशील को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि केशव को 7 साल जेल की। केशव पहले ही 8 साल जेल में गुजार चुका था, तो उसे आजाद कर दिया गया।
क्या नैना सानी को न्याय मिला या नहीं मिला, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर्वोच्च न्यायालय ने सुशील शर्मा की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, जिससे सुशील को राहत तो मिली होगी
लेकिन उसकी क्रूरता के लिए क्या नैना सानी की आत्मा कभी से माफ कर पाए? परिस्थित जन्य सबूतों के आधार पर इस पूरे मामले का फैसला आया। सुशील शर्मा के वकील ने अपनी दलील में भी इस बात को अपना आधार बनाया। शर्मा के वकील की दलील थी कि ये मामला किसी भी तरह रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता, इसीलिए उनके मुवक्किल को राहत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने ये बोला कि सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि उनकी कन्विक्शन तो अपहोल्ड करी है, सारे जो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है उसको देते हुए कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फैसला सुनाया है। 18 साल बाद आए तंदूर कांड के आखिरी फैसले के बाद इस केस से जुड़े अफसरों ने इसका स्वागत किया। मुझे तो नहीं लगता कि उम्र कैद कम सजा होती है, सिर्फ नेचर ऑफ सजा फर्क हुई है। पेरेंट्स डेड बॉडी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, पहचानी कुछ नहीं थी उसको, तो हम लोगों ने पहली बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करके और फैमिली को बड़ी मुश्किल से पर्सुएड करके और आइडेंटिफाई किया। जांच से जुड़े अफसरों का कहना है कि इस केस में गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं था, कदम कदम पर कई तरह की दिक्कतें आईं। इट वॉज अ डिफिकल्ट केस इन विच अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन वॉज इन्वॉल्व्ड एंड ही टर्न्ड आई मीन लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू सबवर्ट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें दिन रात क्राइम रिपोर्टर में बस इतना ही। अगर आपके आस पास होता है कोई गुनाह तो आप हमें बताएं। हमारा पता है क्राइम रिपोर्टर जी मीडिया FC19 सेक्टर 16 नोएडा उत्तर प्रदेश 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें फोन भी कर सकते हैं। और अब नवीन कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन चैन से सोना है तो अब जाग जाओ।